हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अलीबाग, वो भी बजट में। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंकिता और ये है मेरा नया व्लॉग जहाँ पे हम आए हैं अलीबाग में। अलीबाग में मैं एक बजट में मुझे एक रिसोर्ट मिला था जिसका नाम है शालीन। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देती हूँ इस वीडियो में। पूरा एंड तक देखिएगा आप और इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे आना है नहीं आना है। ठीक है, चलिए। तो हम स्टार्ट किए हमारी जर्नी चर्च गेट से। हम जा रहे हैं क्योंकि हम वेस्टर्न लाइन की तरफ से जा रहे थे। अगर आप सेंट्रल लाइन की तरफ से आ रहे हैं तो आप वीटी स्टेशन उतर के भी वहाँ से टैक्सी करके आ सकते हैं। सो यहाँ से हम जैसे बाहर हो जाएंगे चर्च गेट स्टेशन से, सामने ही जो गेट है बड़ा, वहाँ से आपको बाहर निकलना है। वहाँ पर आपको बहुत सारे बसेस एंड टैक्सीज मिलेंगी। ठीक है, इनको देखो। तो हम अब बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था टैक्सीज कुछ 10 to 20 रुपीज़ की पर पर्सन बीच में लेती है गेटवे की तरफ। और मैं आपको बताना ये चाहूँगी कि प्लीज़ आप आपके जेटी के टाइमिंग से हाफ़ एन आवर 1 आवर पहले पहुँच जाना, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी क्यू रहती है, आपका जेटी मिस ना हो जाए। बहुत क्यू रहती है वीकेंड्स पर। हमने कैसे भी करके मैनेज कर लिया जेटी को पकड़ना। 8:30 का था हमारा और हमको ये मिल गई जेटी, तो हम ऊपर आए थे। लेकिन आपको ये बता दूँ मैं कि हमने ये ऑनलाइन बुकिंग करी थी, फिर भी बहुत रश थी वहाँ पे। ठीक है, और वो कुछ नंबर के हिसाब से नहीं ले रहे थे, बट जिनके पास वो पास था वो टाइमिंग का, उनको वो ले रहे थे। तो ऐसे हम अभी जस्ट उतर चुके हैं, अलीबाग हम पहुँच चुके हैं और अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो मैं आपको ये अभी नीचे जाते जाते आपको ये बताना चाहूँगी कि पूरा जो जर्नी था, जैसे कि हमने चर्च गेट से स्टार्ट किया था 8:30 को, तो 8:30 का जेटी था पर इतना रश था ना कि आपको हाफ़ एन आवर या फिर 45 मिनट्स पहले आके लाइन लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको फिर ईजिली आपको अंदर बैठने मिलेगा जेटी में। हम जैसे कि 8:30 को ही वहाँ पर पहुँचे थे, तो हमको अंदर आने के बाद बैठने नहीं मिला था। मतलब भले हमने प्री बुकिंग किया था, फिर भी हमको जेटी में सीट नहीं मिली थी, बट फिर भी उन्होंने हमको लिया था क्योंकि वो हमारे टाइमिंग का, वो हमारे पास पास था उस जेटी का। ठीक है, तो वैसे तो जेटी 3 जाती है और आती है अलीबाग से। हमारी जो है वो मालदार जेटी थी, वैसे ही PNP एक रहती है, अजंता रहती। मैं उसकी सारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक रखी है, वहाँ पे आपको टाइमिंग भी मिल जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे कितने हैं पर सीट और कितने बजे उसके टाइमिंग्स रहती है, वो भी आपको मिल जाएगी। बस आपको ये पूछना पड़ेगा वहाँ पर कि अगर एक जेटी मिस हो जाए तो दूसरी पकड़ सकते हैं कि नहीं। हमने वैसे किया नहीं था, बस मुझे एक डाउट आ गया तो मैंने आपको ये बता दिया। सो यहाँ पर आप मांडवा जेटी उतरे है, यहाँ पे जो है सर्विस अवेलेबल है। अगर आपके कोई सीनियर सिटीजन है तो आप उनको फ्री में बाहर तक वो छोड़ते हैं, ये जो गाड़ी मैंने अभी दिखाई थी उससे। सो हम अभी बाहर जा रहे हैं। सो बाहर से हमें जहाँ पे हमने जो बस हमारी जो जेटी बुक कराई थी, उन्होंने हमको बस फैसिलिटी भी दी है। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति जी का मंदिर है वहाँ पर। सो वहाँ पर हम जा रहे हैं बस स्टॉप के, यहाँ पर ही जा रहे हैं जो कि बाहर ही है, और उन्होंने हमको बुक करवा के दी थी। जैसे कि हमने जेटी जहाँ पर बुक करवाई थी, उन्होंने हमको बताया था कि यहीं से आपको जो है बस फैसिलिटी भी मिलेगी। सो चलिए मैं आपको वो बता देती हूँ। और हाँ, ये भी आपको बताना था, जैसे कि जेटी में हमको सीट जो है फुल थी पूरी, बट जैसे कि जेटी चालू होते थे तो यू नो सब यंग पीपल बाहर देखने चले जाते, तो हमारे सीनियर सिटीजन्स को वहाँ पर सीट मिल गई थी। तो आपको लेकिन ऐसा ना हो इसलिए आप जल्दी जेटी कैच कर लेना। सो ये देखिए बस आ चुकी है बस स्टॉप पर। ठीक है, और हमने फिर वहाँ से बस तो हमको मिली नहीं क्योंकि सब फुल हो चुकी थी, तो उन्होंने हमको ये जो छोटी टैक्सी होती है वो हमको बुक करवा के उन्होंने दी थी, जो कि वहीं तक पहुँचेगी। तो अलीबाग चौक करके था एक सर्कल है, वहाँ तक ही उनकी जो फैसिलिटीज़ है, बस फैसिलिटीज़ या फिर उनकी टैक्सी फैसिलिटीज़ वो रहती है। उसके आगे तुम्हारा जो भी रिसॉर्ट होगा उसका जो खुद का एक आपको टैक्सी करवा के खुद के एक्सपेंस पर आपको जाना होगा। सो हम पहुँच चुके हैं अभी शालीन रिसॉर्ट। ये हमने बुक करवाया था ऑनलाइन, मुझे दिखा था, अच्छा लगा था मुझे फॉर फैमिली, सो मैंने ये बुक करवाई थी और ये बजट में भी है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो ये पहले पूल है। पूल एक्चुअली मुझे थोड़ा सा छोटा लगा इस कंपेयर टू द फोटो और जो हमने इमेजेस देखे थे ऑनलाइन, उन्होंने भी भेजे थे उस हिसाब से, पर ठीक है। एंड हमने रूम्स भी बुक कराए थे, 4 बुक कराए थे। एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी इसलिए हमने 4 रूम्स बुक करे थे और एक रूम में 4 पीपल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उतना स्पेस ऐसा उन्होंने बताया गया था। तो चलिए देखते हैं ऊपर एक रूम में कैसा स्पेस है और क्या है। और ये जो है हमारा फर्स्ट रूम जो है, यहाँ पे हम रह रहे थे, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, टीवी था, टीवी जो कि चल रहा था। ओके, बेड था, बेड अच्छा था, काफ़ी क्लीन था और
दो लोग अच्छे से आराम से रह सकते हैं। दो मैट्रेसेस भी उन्होंने दिए हुए हैं। हाय, और आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या है, और गैलरी है। ओके, काफ़ी सनी डे है। और हाँ, ये दो मैट्रेसेस है और रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पे दिया गया था हर रूम में, और रेफ्रिजरेटर वर्किंग था, ओके, चलता था। और ये जो है एक्स्ट्रा उन्होंने ब्लैंकेट्स और कुशंस दिए हुए थे, तो ये रखा हुआ था। तो और वॉशरूम में भी आपको मैं बता देती हूँ एक बार क्या है वॉशरूम में। ओके, तो कुछ सोप एंड ऑल अवेलेबल नहीं था, बस उन्होंने हैंड वॉश रखा था एंड गीज़र था, गीज़र वर्किंग था एंड बाकी सब ठीक है, प्रॉपर था, पानी एंड ऑल सब था, एवरीथिंग वॉज गुड, ठीक है। और यहाँ पे चप्पल एंड ऑल रखने के लिए भी है चीज़ें। ओके, सो ये दूसरा रूम है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे मैं आई हूँ। ये भी सेम ही का, सारे रूम सेम ही थे जो उन्होंने हमको दिए थे। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू था इसलिए बहुत धूल मिट्टी एंड ऑल आ रही थी अंदर, बट काफ़ी हद तक रूम्स वर गुड, ठीक है। तो उन्होंने ये चाय हमको दिया था, ये नाश्ता हमने लाया था खुद से, तो चाय उन्होंने हमको दी है, हमने मंगाई थी उनसे। तो चलिए पूल टाइम। सो सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स अब पूल में हैं एंड अभी हम पूल से जा कर आए, तो चलिए हम जा रहे हैं फॉर लंच। तो लंच के लिए हम यहाँ पे बैठे, मैं आपको बता देती हूँ, हमने वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें ली थी। नॉन वेज में आप देख सकते हो चिकन सूखा था, चिकन तरी वाला जो था वो था एंड भाकरी उन्होंने दिया था विथ सोल करी। वेज खाने में दाल था, पनीर की सब्जी थी और रोटी थी, अचार था, सैलड था, आलू की भाजी थी और मीठा भी उन्होंने, डेजर्ट भी एक दिया था, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे वेज ज़्यादा अच्छा लगा नॉन वेज से, आई डोंट नो, बट आप अगर नॉन वेज लवर हो तो ऑब्वियसली आपको नॉन वेज ही अच्छा लगेगा। तो ये पूरा शैलन रिसोर्ट है और अब हम जा रहे हैं शाम के टाइम पे नागांव बीच, जो कि है पीछे ही, कुछ 10-15 मिनट्स वॉकिंग था, हम वहाँ पे पहुँच गए थे। और वहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, चलिए आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे हॉर्स राइडिंग दिख रहा था मुझे, जो कि हाँ ये देखिए, हॉर्स राइडिंग किया हमने वहाँ पे, साइकिलिंग था, कैमल राइड था, स्क्वाड बाइकिंग था, और ये सब करके हम आ चुके हैं रात को लंच के लिए। सो लंच के लिए वेज नॉन वेज एज यूजुअल वैसा ही था, हमने सुरमई ली थी, हमने पहले ही उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बारे में जब बुक किया था तभी, एंड वेज में भी काफ़ी हद तक अच्छा खाना था, मतलब नॉर्मली था, मूंग मटकी की भाजी थी, दाल थी। सो आज है नया दिन, सो आज हमारा चेकआउट है एंड अच्छा था, काफ़ी हद तक कल का दिन अच्छा गया, इन्जॉय किया हमने और नागांव बीच पे भी हमने इन्जॉय किया। सो देखते हैं फिर आज का दिन कैसा है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करने निकलते हैं हम। ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पे उन्होंने हमको पोहा दिया था, ठीक है, टेस्ट वाज ओके ओके। देन हमको ऑमलेट दिया था एंड ब्रेड, ऑमलेट ब्रेड, जो कि ब्रेकफास्ट अनलिमिटेड था। हम फिर निकल गए चेकआउट करके और अब हम जा रहे हैं अलीबाग बीच। अलीबाग बीच हम सोचे कि नज़दीक ही था वहाँ से, सो क्यों ना हम यहाँ पे भी देख के आ जाए। तो चलिए अलीबाग बीच एक्सप्लोर करते हैं। सो काफ़ी हद तक सेम ही था, नागांव बीच में जो जो फैसिलिटीज़ थी वही सब इधर भी थी। हैट कैप वाले बहुत थे वहाँ पे, हमने दो हैट्स खरीदी एंड वहाँ पे विंड चेन्स एंड मतलब ईयर रिंग्स काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, तो नज़दीक में आप जाके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बस स्टॉप पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारी जो बस है मालदार की बस, जैसे कल हम हमारे लिए अरेंज कराई थी मांडवा जेटी से, वैसे ही आज भी उन्होंने अरेंज करवा के दी थी हमको सेम उसी इसमें। सो चलिए अब हम हमारी जेटी पकड़ने जा रहे हैं। तो इस बार हम जल्दी आए थे, हमने जल्दी क्यों में हम आ चुके थे, तो आई होप अभी हमको आप बैठने मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आई गेस आपको ये सब अच्छा लगा हो ये वीडियो, ये जो पूरा ब्लॉग है वो। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ या एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।